नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई मुलाकात में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया। रूस भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से तल हुई इस मुलाकात के दौरान स्वराज ने कहा कि मैं ऐसे वक्त में चीन आई हूं जब भारत में शोक और गुस्से का माहौल है। यह जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भीषण हमला है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए विपक्षी दलों के नेता गठबंधन और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए बुधवार को बैठक कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं की यह बैठक संसद के एनेक्सी में होगी, जहां बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल सामूहिक रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू सहित तमाम विपक्षी नेता हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग कर रही है, वहीं शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए दोनों ही आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। शारदा चिटफंड जांच में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के करोल बाग में एक और हादसा हो गया है। पिछले दिनों करोल बाग के एक होटल में आग लगने के बाद वहां आज बुधवार को एक इमारत ढह गई है। इमारत ढहने से घटना करोल बाग के देव नगर इलाके में हुई, जहां से 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह काफी पुरानी इमारत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 में शामिल हुए। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, में आप जैसे ऊर्जावान लोगों से जब भी मिलता हूं, मेरे भीतर भी जोश भर जाता है। आप बीते 2 दिन से देश और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार सुबह पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर किए गए हवाई हमलों के लिए भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को बधाई दी। भागवत ने वायुसेना की एयर स्ट्राइक बढ़ाई करते हुए कहा कि पुलवामा में शहीद जवानों का 13वीं श्राद्ध सही तरीके से पूर्ण हुआ है। मंगलवार को पाक अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर भारत ने हवाई हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इससे बौखलाकर पाकिस्तान भारतीय सीमा पर टैंक और सेना की तैनाती कर रहा है। इससे निपटने के लिए भारत भी चाक चौबंद है। गुजरात में पोरबंदर बंदरगाह पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए 8 जहाज तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पर्यटकों के लिए पाकिस्तान भारत सीमा दर्शन बंद कर दिया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में घिरे पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो रही है। भारत के द्वारा पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को उसकी जमीन पर चल रहे आतंकियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारत के हमले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर डिफेंस सिस्टम आर्टिलरी और मोर्टार की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैट एक्शन वाले आतंकी और कमांडो को कवर फायर देने का प्लान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार।